हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल फ्रिक वीडियोस। आज हम लोग आए हुए हैं अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क में। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है न्यूयॉर्क में सिचुएटेड, और जैसे कि आप नाम से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये म्यूजियम है ऑल अबाउट नेचुरल थिंग्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स, या फिर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, उसके रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स है, डिस्प्ले है, वो सारा यहाँ पर रखा हुआ है। और हम लोग आज इसका पूरा टूर करेंगे, फुल डे का हम लोगों का प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने फुल डे टिकट लिया हुआ है और अंदर जाके हम लोग एक एक करके जो डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट इनके एग्जीबिशंस है, थोड़ा बहुत हम लोग नेट में देख के आए हैं, और एक एक करके हम लोग पूरा म्यूज़ियम घूम के देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सो बहुत सारे एक्साइटिंग एग्जीबिट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि डायनासोर के फॉसिल्स हैं, ब्लू व्हेल है, ये सब एक एक करके आएगा। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ पर एक क्यू है, क्योंकि संडे है इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने टिकट ऑनलाइन ले लिया है, लेकिन यहाँ पर उस टिकट का वेरिफिकेशन होगा और एक्चुअल पेपर टिकट हाथ में दिया जाएगा, फिर हम अंदर जा सकते हैं। सो ये एक फॉयर है जहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि डायनासोर का फॉसिल रखा हुआ है। सो ये जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द म्यूजियम है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से म्यूजियम स्टार्ट होता है। इसके बाद एक एक करके स्पेसिफिक एरियाज में हम लोग जाएंगे। जैसे फर्स्ट हॉल कहते हैं जिसको, वो है हॉल ऑफ अफ्रीकन मैमल्स। सो अफ्रीका इज अ वेरी डाइवर्स बायोडाइवर्स कॉन्टिनेंट, जहाँ पर बहुत किस्म के अलग अलग टोपोग्राफी है, यानी कि वहाँ पर डेजर्ट भी है, रिवर भी है, फॉरेस्ट तो है ही है, और वहाँ पर बहुत एक वेरीड वाइल्ड लाइफ है, जैसे एलिफेंट्स हैं, वहाँ के हिपोज अफ्रीका के फेमस हैं, गोरिलाज हैं। सो इनको लेके वहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम है जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स को एग्जिस्ट करते हैं। सो उन्हीं को यहाँ पर मॉडल बना के दिखाया गया है, जो अलग अलग लैंडस्केप है और इकोसिस्टम है उसको दिखाया गया है। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 3D मॉडल बनाया गया है, देख के बिल्कुल लग रहा है कि पीछे रियली एक फील्ड है जिसमें अलग अलग एनिमल्स को स्टफ करके उनका मॉडल बना दिया गया है। इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पर एग्जिबिट्स हैं और हर एक के साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि वो किस टाइप का लैंडस्केप शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि एक माउंटेन एनिमल इकोसिस्टम दिखाया गया है। सो माउंटेन ग्रासलैंड में जैसे डियर्स हैं। सो इस टाइप के अलग अलग यहाँ पर 3D मॉडल्स हैं पूरे हॉल में। हम लोग एक एक करके घूम के देख रहे हैं, जैसे अगेन लायंस, अफ्रीकन लायंस आर वेरी फेमस अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको ये सवाना कहते हैं, जो ये ग्रासलैंड होता है सवाना कहते हैं। तो इसमें उनका जो शिकार करते हैं उसका काफ़ी वीडियोस वगैरह हमने नेशनल जियोग्राफिक में भी देखा है। सो ओवरऑल इस हॉल में यही सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हुए ये एक फ़ोटो एग्जीबिशन है, तो जो हॉल्स हैं वो परमानेंट है, फ़ोटो एग्जीबिशन चेंज होता रहता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटो एग्जीबिशन है एक्सटिंक्ट इंसेक्ट्स को लेके। जो इंसेक्ट्स हैं उनका बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफी लिया गया है, और मुझे बड़ा एक स्ट्रेंज लगा कि एक एक फ़ोटो जो है वो इतना डिटेल्ड है, और एज पर इंफॉर्मेशन देयर एक एक बिग फोटोग्राफी बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे फोटोग्राफ्स को मिला के कंप्यूटर के थ्रू इसको रिप्रोड्यूस किया गया है। सो इवन 10,000 फोटोज़ को लेके एक बड़ा इस टाइप का फोटो बनाया गया है, जिसमें यू कैन सी अमेजिंग रिजोल्यूशन है। सो लेकिन ये एक एग्जीबिशन है टेम्पररी,
हम लोग आ गए नेक्स्ट हॉल में। सो ये जो हॉल्स हैं दीज आर अबाउट पीपल। सो ये है हॉल ऑफ अफ्रीकन पीपल। तो जैसे अगेन आप जानते हैं कि अफ्रीका एक बहुत डाइवर्स कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे कल्चर हैं। नॉर्थ अफ्रीका में डेजर्ट कल्चर है, नीचे साउथ में जंगल है। सो वहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, उनका अलग अलग कल्चर है। तो जैसे ये ड्रेसेस हैं, अलग अलग सेरेमोनी में वो ड्रेस पहनते हैं, वो सब कलेक्ट करके यहाँ रखा गया है। सो दिस हॉल इज़ ऑल अबाउट अफ्रीकन पीपल। अब जा रहे हैं एक हॉल से दूसरे हॉल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सुवेनिर शॉप है, उसको क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए अब नॉर्थ वेस्ट कोस्ट हॉल। सो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट जो है वो अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट कोस्ट है। सो अमेरिकन अगर आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंट है उसका, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है, तो इसमें देख सकते हैं कैनो था ऊपर, बोट था, जो वहाँ के लोग इंडिजेनस लोग, क्योंकि वहाँ पर पहले नेटिव अमेरिकन्स वहाँ काफ़ी रहते थे। सो उनका अभी भी वहाँ पर नेटिव अमेरिकन्स है, कुछ हद तक उनका कल्चर प्रिजर्व भी है। सो ये उनका इस्तेमाल किया हुआ ड्रेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने जो अलग अलग डिस्प्ले आइटम्स बनाया था उसको लेके यहाँ पर रख दिया गया है एज अ कलेक्टेड आइटम। सो बहुत ध्यान से एक एक हॉल को देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स देन वी हैव टू विजिट लाइक मे बी 4-5 टाइम्स टू कवर एवरीथिंग। बट ओवरऑल जो थीम है, देखिए इस हॉल में नॉर्थ ईस्ट कोस्टल जो नेटिव पीपल है उनका लाइफस्टाइल को डिपिक्ट किया गया है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को, थ्रू देयर यूज्ड वेपन्स, थ्रू देयर यूज्ड आर्टिफैक्ट्स, थ्रू द मॉडल्स दे मेड एक्सेट्रा। अब आगे ये थोड़ा सा मस्ती हो रहा है बच्चों का। यहाँ पर देखिए सामने एक मिरर है, इसके सामने बच्चे जिस टाइप का मूवमेंट करेंगे वो एज इफ लगेगा कि जो ग्लास है उसके अंदर एक होयल उस टाइप का मूवमेंट कर रहा है। सो ये सो अगेन यहाँ पर मिक्स किया गया, बहुत सारे ऐसे प्ले जोन टाइप का है जहाँ पर आके छोटे बच्चे रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फिर आगे दूसरे हॉल में जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा मिक्स है फन एंड एडुकेशन इन दोनों का। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे हॉल में, हॉल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सो यहाँ पर ये डिस्प्ले किया जा रहा है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन एक एक स्टेज में हुआ है। सो अलग अलग स्पीसीज ऑफ ह्यूमन या अलग अलग स्पीसीज ऑफ जो एप्स से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, और ऑफ कोर्स दीज आर द स्केलेटन्स जो उस टाइप का रखा गया है, कुछ कुछ मॉडल्स भी हैं। सो इनके साथ ये डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर। सो मोस्ट स्केलेटन्स एंड मॉडल्स के थ्रू दिखाया गया है। अगेन दिस इज अनदर हॉल विच इज़ अ परमानेंट हॉल, हॉल ऑफ पैसिफिक पीपल। सो जो पैसिफिक कोस्ट है, कोस्टल एरिया पैसिफिक ओशन के कोस्ट में, वहाँ के जो इंडिजेनस लोग हैं, अगेन दीज आर दी नेटिव अमेरिकन्स जो वहाँ रहते थे पहले, आज भी रहते हैं, लेकिन हाँ शायद वो कल्चर एग्जैक्टली तो प्रिजर्व नहीं है, लेकिन उस टाइम का जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी यूज्ड आइटम्स हैं, सब कुछ रखा गया है। मॉडल्स भी बना दिया गया है कि उस टाइप लोग कैसे ड्रेस पहनते थे, सेरेमनीज कैसे होता था, ये सब अलग अलग चीज़। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वेपन्स दिख रहा है काफ़ी सारा, सो कौन कौन से वेपन यूज़ करते थे। वेपन उस टाइम खाली वॉरफेयर के लिए नहीं, लेकिन पत्थर काटने के लिए, डे टू डे जो भी यूज़ है उनके लिए भी वेपन एक तरह से यूज़ किया जाता था, पत्थर तोड़ने के लिए या कहीं पर लकड़ी काटने के लिए, इस टाइप का भी यूज़ किया जाता था। ये सब मास्क है, जो मास्क उनके कल्चर का एक पार्ट था। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट मास्क है, अगेन मास्क एंड सम टिपिकल ड्रेसेस विच वर पार्ट ऑफ सम सेरेमनी जो उनका होता था। अगेन इन सब चीज़ों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, लेकिन
एक एक चीज़ को देखना या इनफैक्ट वीडियो में दिखाना हर एक चीज़ को पॉसिबल नहीं है टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, लेकिन आप अगर जाएंगे तो ज़रूर एकदम सामने से देख सकते हैं, एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और एक एक करके देख के आप इंजॉय कर सकते हैं। सो ये जैसे एक मॉडल है रैट एंड द ऑक्टोपस, ये अभी हॉल ऑफ पैसिफिक पीपल में है। सो उन्होंने ये बनाया था, इससे रिलेटेड भी उनका कुछ रिलीजियस बिलीफ होगा जिसके लिए इसको बनाया था। अगेन ये मास्क है जो कुछ स्पेसिफिक सेरेमनी में वो यूज़ करते होंगे। अब आता है जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट हॉल है, हॉल ऑफ डायनासोरस इन अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। सो ये मॉडल जो है ये टाइटानोसोरस का है। तो देखिए इतना लंबा है कि ये हॉल से बाहर आ गया, इसका जो फ्रंट पार्ट है देखिए बाहर है, और ये सारा इसका जो बॉडी है, अगेन दिस इज़ अ फॉसिल। सो फॉसिल जैसे कि आप जानते ही हैं कैसे फॉसिल के थ्रू हमें जो जुरासिक एज के डायनासोर्स हैं या अदर एनिमल्स हैं उनके बारे में पता चलता है। सो टाइटानोसोरस देख के हम आगे बढ़ गए हैं। उसी हॉल में बहुत सारे अलग अलग डायनासोर या उस टाइम जो एक्चुअली डायनासोर इट्सेल्फ इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक टायरानोसोरस एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए और भी कुछ एनिमल्स के रखे हुए हैं। सो बेसिकली अलग अलग उस टाइप के जो उस एज के जो अलग अलग एनिमल्स हैं उन सब का मॉडल और फॉसिल सब रखा गया है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया जो हॉल ऑफ डायनासोर के साथ ही है, उस एज के दूसरे एनिमल्स का यहाँ पर दिखा रहे हैं फॉसिल के थ्रू कि कैसे उनका शेप होता था, कैसे कितना बड़ा साइज होता था एक्सेट्रा। एंड अगेन एज आई सेड सब कुछ लिखा भी हुआ है। सो थोड़ा टाइम लेके अगर आप देखते हैं तो एक एक आइटम को आप पढ़ के उसके बारे में यू कैन गेन नॉलेज कि कैसा था उनका, वट एवर नॉलेज इज़ देयर अवेलेबल विथ अस, तो सब कुछ लिखा हुआ है। सो यहाँ पर देखिए ऊपर से कुछ मॉडल को हंग भी कर दिया गया है ताकि उससे एक अलग व्यू मिलता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं नीचे से हम लोग देख रहे हैं इसको, तो इसका एक अलग ही व्यू मिल रहा है। सो इस टाइप का भी बहुत ही प्लानिंग के साथ पूरा हॉल डेकोरेट किया गया है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह रखा गया है ताकि हर चीज़ पे सफिशिएंट अटेंशन पड़े, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बहुत फोकस्ड है बाकी चीज़ कोने में है, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं, जैसे ये एक टर्टल है और इस टाइप के बहुत सारे मैरीन और नॉन मैरीन एनिमल्स यहाँ पर है। ये जैसे एक और टाइप ऑफ डायनासोर है, जैसे मैंने कहा कि डायनासोर कोई सिंगल एनिमल नहीं है, एक फैमिली ऑफ एनिमल्स हैं। सो उनमें से ये एक है, एक टाइटानोसोरस था, एक टीरेक्स है, अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हैं, उनका अलग अलग साइज़ है, उनके अलग अलग फॉसिल्स हैं, मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स बना के फॉसिल रख दिया गया है। सो डायनासोर हॉल ओवरऑल ऑफ कोर्स बच्चों को सबसे पसंद आएगा और हम लोगों को तो एनीवे अच्छा लगा ही है। ये एक और इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है जो मैंने बहुत जगह नहीं देखा, विच इज़ द मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स का डिस्प्ले हो रहा है। सो मीटियोराइट जो है ये स्टार्स से या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी से आके अर्थ पे गिरा है और बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया है, ये तो हमने बुक्स में पढ़ा था, बट सामने से मीटियोराइट देखा फर्स्ट टाइम। ये एक ओशनिक एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी हॉल है, नॉट ओनली ओशनिक। ये हॉल स्टार्ट होता है ओशनिक क्रीचर के, जैसे ये आप देख सकते हैं शेल्स हैं, ऑक्टोपस था इसके पहले, बट ये इन जनरल एक बायोडाइवर्सिटी हॉल है जहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, छोटे बड़े साइज के क्रैब्स हैं, ओशनिक एनिमल्स भी हैं यहाँ पर, और डाइवर्स एनिमल्स हैं, कुछ मैमल्स भी हैं। सो ये ओवरऑल एक बायोडाइवर्सिटी हॉल है, यहाँ पर यू कैन सी सो मैनी डिफरेंट एनिमल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। ये एक जायंट स्पाइडर है एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी अदर स्पीसीज ऑन बोथ साइड्स, जैसे ये शेल्स
अलग अलग कलर का है, अलग अलग टाइप का है. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग हॉल विच इज द हॉल ऑफ ओशन लाइफ, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जिबिट है ब्लू व्हेल. नाउ ये ब्लू व्हेल जो है, ये ब्लू व्हेल का एक मॉडल है, लेकिन ये मॉडल एक ट्रू साइज मॉडल है. मतलब जो सबसे बड़ा ब्लू व्हेल आज तक लोगों ने देखा है, जो एक ब्लू व्हेल, एक डेड व्हेल मिला था 1925 में साउथ अमेरिका में, उसको मेजर करके उसके ट्रू साइज में इसको बनाया गया है. एंड इट वेज मोर देन 10,000 किलोग्राम्स. और स्टील पाइप से इसको म्यूजियम के रूफ से लटका दिया गया है, ताकि एकदम सॉलिड वहाँ पर रहे. और इसको क्लीनिंग करना भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एनुअल इवेंट होता है इस म्यूजियम में, कि ये साल में एक बार इसको क्लीन किया जाता है. तो उस टाइम आई एम श्योर ये हॉल को कुछ दिन के लिए बंद किया जाता है और पूरा क्लीन करके फिर से खोल दिया जाता है. तो ये जायंट साइज का बिल्कुल ब्लू व्हेल है. नाउ वी हैव एंटर्ड द नेक्स्ट हॉल विच इज द हॉल ऑफ यूनिवर्स. यहाँ पर जितने भी चीज हैं, ये पूरे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम इसको डिस्प्ले कर रहा है, उसका डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा है. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, वो खुद समझा रहे हैं कि अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में. और देखिए जैसे कौशिकी भी देख रही है, पूछ रही है उसके डाउट्स और क्लियर कर रही है और इंटरेक्ट कर रहे हैं. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कौशिकी से पूछा कि आप बताओ, आपको ये क्या लगता है कि सीज़न चेंज क्यों होता है और क्लाइमेट चेंज और डे नाइट क्यों होता है. तो ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. सो बहुत ओपन डिस्कशन कर रहे हैं जो भी विजिटर्स हैं उनके साथ. तो ये बच्चों का इंटरेक्टिव, एक लर्निंग के लिए इंटरेक्टिव, एक एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है. सो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एग्जिबिट है. जैसे ये अर्थ का एक इंटरनल मॉडल दिखा रहा है कि वो अंदर से कैसे दिखता है, जैसे कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या है, ये सब कुछ दिखा रहा है. देन यहाँ पर गुड कलेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स है. पूरे अर्थ, जैसे आप जानते हैं कि इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. सो इन रॉक्स और मिनरल्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जो रॉक्स मिला है, जो मिनरल्स हैं, उनको दिखा रहा है. कोई बहुत सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, कोई बहुत हार्ड है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है. ऑफकोर्स आप डेजर्ट में जाएंगे तो एक टाइप का रॉक मिलेगा, अगर कोई रॉकी एरिया में, फॉरेस्ट में अलग टाइप का मिलेगा. सो ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट करके उसको दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है. सो काफ़ी अच्छा आइडिया मिलता है कि अलग अलग जगह पर किस टाइप का जियोग्राफी होता है. अगेन हर एक के साथ डिटेल दिया हुआ है. यू कैन स्टॉप, यू कैन स्टडी व्हाट्स देयर एंड लर्न एंड सी फॉर योरसेल्फ कि अलग अलग जगह का अलग अलग रॉक्स कैसा होता है, मिनरल्स कैसा होता है. सो ओवरऑल ये हॉल जो है, इससे हम काफ़ी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम भी देखते हैं अपने चारों तरफ, बट उसी चीज़ को आप बहुत एक डाइवर्स वे में देख रहे हैं. सो दिस इज समथिंग यू कैन रियली रिलेट टू एंड एन्जॉय. अब लास्ट में टाइम हो गया, लेकिन हमारा देखना ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन 5:30 बज गया. सो अब हमें निकलना पड़ रहा है म्यूज़ियम से, लेकिन हम लोग फिर आएंगे कभी. आज हम लोगों ने पूरा दिन यहाँ स्पेंड किया, बहुत सारे चीज़ें हमने देखा, हमने शोज़ भी देखा, लेकिन शोज़ में फोटोग्राफी अलाउड नहीं था. अब जाने के पहले जो फाउंडर है उनके साथ एक फ़ोटो लेके हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय.